खंडवा सहित प्रदेश में सबसे कम रेट पर किसी भी तरह का निर्माण कार्य कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क करें अथवा बड़ा बंपर ऑफिस में विजिट करें। और क्या कनेक्शन है? आज जो पोस्ट भ्रमण पर था और भ्रमण के दौरान जो मुख्य से सूचना प्राप्त हुई, दो अलग अलग सूचनाएं मिली कि सूचना इस प्रकार थी कि सराफा तरफ के व्यक्ति जो आधा हथियार लेकर के घूम रहा है तथा कुछ जो दो लड़के हैं वो गड़ेवी चौक की तरफ पिस्टल और कारतूस लिए घूम रहे हैं और कोई वारदात करने की फिराक में है। सूचना पर पुलिस के साथ मौके पर जाकर के जो तस्दीक की गई वो सूचना सही पाई गई। सराफा तरफ जो है आरोपी विपिन साकल्य और रावण, इनके इसके कब्जे से जो एक धारदार चाकू मिला और ये धारदार चाकू अगर होने से उसके जो 25 आम सैक्टर की कार्रवाई की गई है, गिरफ्तार किया गया है। इसी प्रकार जो दो आरोपी अन्य आरोपी हैं, एक मनीष भारतीय जो भुवनेश्वर बाढ़ का रहने वाला है तथा इसी का एक साथी है सुनील पवार, टैगोर कॉलोनी शाही मंदिर के पीछे थाना मुगला रोड का निवासी है। इन दोनों को जब चेक किया गया तो आरोपी मनीष के पास से हाथ बनी जो हैंडमेड देसी पिस्टल और तथा सुनील कुमार के कब्जे से कारतूस मिला, दो उन दोनों को भी 25-27 आम सेक्ट में गिरफ्तार किया गया है। चाकू एवं पिस्टल कारतूस बरामद किए गए हैं और 25 आरोपी मनीष तथा सुनील के विरुद्ध 25-27 आम सेक्ट के तहत कार्रवाई की गई है और आरोपी विपिन साकल्य और पुरावड़ है इनके कब्जे से धारदार हथियार मिलने से 25 आम सेक्ट के तहत कार्रवाई की है। जो आरोपी है सोशल मीडिया पे भी डाला करती थी अक्सर सर इस तरह की, हाँ जो विपिन साकल्य और पुरावड़ है इनका एक सोशल मीडिया पे भी पोस्ट चाकू लेकर के डली हुई थी तो हमारी सोशल मीडिया पर भी लगातार निगाह रहती है। सभी से ये अपील है कि कोई भी धारदार हथियार अवैध हथियार लेकर के नहीं घूमे और इस तरह से सोशल मीडिया पर डालना प्रदर्शन करना ये उचित नहीं है। पुलिस की निगाह रहती है और ऐसे लोगों को पर ऐसा व्यक्त करने वालों के विरुद्ध आगे भविष्य में भी चेक करके और जिम्मेदारी कार्रवाई की जाएगी। एसी, कूलर, फ्रिज, डीप फ्रीजर, इन्वर्टर, मोबाइल सब मौजूद है अंबेडकर चौराहे के सामने। पावर पॉइंट इलेक्ट्रॉनिक, सभी प्रोडक्ट वो भी रीजनेबल रेट पर, एक बार जरूर विजिट करें।